मेरा एक्सपेरिमेंट आप सभी के सामने डिफेंड करेंगे। तो मुलिकल एक्सपेरिमेंट ने सबसे पहले क्या किया था, यहाँ पर एटोमाइजर से यहाँ पर हमारे जो इलेक्ट्रॉन को डाला गया था, इलेक्ट्रॉन डालने पर क्या होगा कि वो स्प्रिंकल्ड हुए, स्प्रिंकल्ड इन दी ऑल वेजल में हो गई स्प्रिंकल्ड, और स्प्रिंकल्ड होने पर क्या हो गया वो हमने क्या एक एक्सरे लगाई, एक्सरे से हमारा एनोड और कैथोड में हमारा आयनाइज हो गया। आयनाइज होने पर आयन को आयनाइज होने से जो ये फ्री फॉल की स्टेट हमारी आ गई थी, जिसमें कि हमारे वो इलेक्ट्रॉन नीचे गिर गए थे, और नीचे गिरने पर हमको फ्री फॉल की स्टेट आ जाती है। दोस्तों फ्री फॉल स्टेट बैड स्टेट ऑफ फ्री फॉल पर क्या मिलता है, एफ ई इक्वल टू एफ एम जी यहाँ पर इक्वल हो जाता है, क्यू हमारा एम जी बाई ई आ जाता है। और दोस्तों यहाँ पर हमने सॉल्व करा इस इक्वेशन को एम जी बाई ई को, तो यहाँ पर हमारा मिल जाता है -1.6022 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब और चार्ज आ जाता है। और इधर से जब हमने जे जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट से इसे फाइंड आउट किया था, और फाइंड आउट करने पर हमें Q/Qm से करने पर यहाँ पर हमारा 1.6 × 10⁻¹⁹ हमारा मास की वैल्यू आ जाती है। दोस्तों ये हमारा